एमआर बायोलॉजी में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगा लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ के ऊपर। तो सबसे पहली बात ये है कि कैपेसिटी से क्या मुराद है। देखिए, द वर्ड कैपेसिटी मीन पावर आर एबिलिटी, बट यहाँ पे इन द केस ऑफ लंग हम कहते हैं कि कैपेसिटी से मुराद है द होल्डिंग एबिलिटी। ठीक है, मतलब लंग्स कितना एयर को होल्ड कर सकता है, दैट इज़ नोन एज अ लंग कैपेसिटी। जब हम सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, आपको पता है ब्रीथिंग इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स, वन इज इंस्पिरेशन आर इनहेलेशन एंड सेकंड इज एक्सपिरेशन आर एक्सहेलेशन। तो जब आप सांस लेते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, आप एयर बॉडी के अंदर लेके आते हैं। द एंट्री ऑफ एयर टू द बॉडी, द कमिंग ऑफ एयर टू द बॉडी इज नोन एज इंस्पिरेशन आर इनहेलेशन। द आउटिंग ऑफ एयर फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सहेलेशन आर एक्सपिरेशन। एडल्ट ह्यूमन का जो एवरेज लंग्स कैपेसिटी है वो है 5 लीटर्स। ये आपके बुक इफिसी बुक में लिखा है 5 लीटर्स, बट ज़्यादातर बुक्स में लिखा है कि ह्यूमन का जो लंग्स कैपेसिटी है, एडल्ट ह्यूमन का एवरेज लंग कैपेसिटी, ये तकरीबन 6 लीटर है। तो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा 6 लीटर, लेकिन आपने जहन में बिठाना है कि 5 लीटर्स है, क्योंकि आपके बुक के मुताबिक आपको क्वेश्चन आएगा। तो 6 लीटर ये लंग्स की कैपेसिटी है। अब नॉर्मल कंडीशन में बिल्कुल आप जब रेस्ट पे होते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते, ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन जब आप सांस लेते हैं तो एयर का एक खास वॉल्यूम ही आप बॉडी के अंदर लेके आते हैं। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर होता है जो आप बॉडी के अंदर लेके आते हैं, और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर होता है जो आप बॉडी से बाहर लेके जाते हैं या बाहर निकालते हैं। सो दैट अमाउंट ऑफ एयर विच यू एंटर टू द बॉडी और विच लीव द बॉडी, या दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर विच यू एंटर टू द बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन आर द वॉल्यूम ऑफ एयर विच लीव योर बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन इज नोन एज अ टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम से क्या हमारा, टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि नॉर्मल कंडीशन में आप कितने अमाउंट ऑफ एयर को जिस्म के अंदर लेके जाता है या बाहर निकालता है। ये टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, ये है 0.5 लीटर्स। इस साइड पे मैंने वॉल्यूम ऑफ एयर लिया है, वॉल्यूम एयर एन लीटर्स, तो 0.2 लीटर एयर ये आपके बॉडी के अंदर जाता है और निकलता है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन। तो मैं यहाँ से इस तरह ड्रा कर सकता हूँ कि दिस इज अ अमाउंट ऑफ एयर विच यू एंटर टू द बॉडी एट नॉर्मल कंडीशन, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। दिस इज नोन व्हाट, टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम में फिर दो है, एक है इंस्पिरेटरी टाइडल वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन। यानी टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन में क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन में आप एयर को बॉडी के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ 0.5 लीटर, तो इसको हमने कहा टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन। अब इस वॉल्यूम को आप जिस्म से बाहर भी निकालेंगे वापस, दैट इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन। तो ये कितना होगा, ये भी 0.5 लीटर्स है। तो आप यहाँ पे इसके लिए भी ड्रा कर सकते हैं, दिस इज़ अ, एक मैं नीचे ड्रा किया क्यों ये आपको बाद में पता चल जाएगा, एक ऊपर, इसको इस तरह और भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन और ये है टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन। ये कितना होगा, ये होगा 0.5 लीटर, तो ये भी 0.5 लीटर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन। अब ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात हुई, मैं फोर्सफुली ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा एयर को टाइडल वॉल्यूम्स के ऊपर जाता हूँ, मतलब एयर को बॉडी के अंदर लेके जाता हूँ। आप नॉर्मल कंडीशन में किस तरह एयर इस तरह सांस लेते हैं, ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, मैं टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जाता हूँ, मतलब नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा एयर मैं बॉडी के अंदर लेके जाता हूँ। किस तरह, द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटर टू द बॉडी अबव द टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी जो आप फोर्सफुली अंदर लेके जाते हैं
या ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपकी जो टाइडल वॉल्यूम है ये भी रेजिडुअल वॉल्यूम तक बढ़ जाता है, इसलिए ये रेजिडुअल वॉल्यूम आपके पास एक कैपेसिटी मौजूद है। वो वॉल्यूम जो आप फोर्सफुली अबव द टाइडल वॉल्यूम अंदर करते हैं उस वॉल्यूम ऑफ एयर को आप कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 2.5 लीटर। तो 2.5 यहाँ से आप स्टार्ट करें, हाफ लीटर ये हो गया, एक ये और ये एक ये, यानी तीन तक, थ्री तक ये आपके पास कितना आता है, थ्री तक आपके पास आता है 2.5 लीटर। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या आता है 2.5 लीटर। इसके लिए आप खाट बनाएं, ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और आपको इस वॉल्यूम की ज़रूरत है ड्यूरिंग एक्सरसाइज टाइडल वॉल्यूम, ये एयर आपका ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता, तो फिर आपका जो टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी यूज़ होता है, इसलिए ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके लिए रिजर्व रखा है, ये ड्यूरिंग ज़रूरत हम यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह जो आपके पास टाइडल वॉल्यूम है, यानी मतलब मैं नॉर्मल कंडीशन में सांस ले तो एयर है वो लंग से बाहर निकलता है, ठीक है, अंदर आता है बाहर निकलता है। अब मैं फोर्सफुली अबव द टाइडल वॉल्यूम एयर बॉडी से या लंग से निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखें, जब आप ना टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं और एयर बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी आउट फ्रॉम द बॉडी अबव द टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज अ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप ये कितना होगा, ये आपके पास होगा 1.5 लीटर। तो जो इंस्पिरेशन है मैं ऊपर लिखता हूँ, जो एक्सपिरेशन है ये मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपके पास कितना होगा, मैंने आपको बताया कि ये होगा 1.5। तो 1.5 कहाँ से, 0.5 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 तक, यानी यहाँ तक आपके पास 1.5 आएगा, 1.5। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है यहाँ से यहाँ तक, ये तो नॉर्मल कंडीशन में लंग से निकलता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वॉल्यूम है जो कि 1.5 लीटर्स है, ये आप फोर्सफुली निकाल सकते हैं फ्रॉम द बॉडी, और 0.5 नॉर्मली बॉडी से निकल सकता है। क्या आप और एयर लंग से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं। इसके बाद भी, यानी जब आप फोर्सफुली जिस्म से या लंग से एयर निकाले, मतलब मुकम्मल निकाले, फिर भी आपके लंग्स के अंदर, आपके अल्वियोलाइज के अंदर कुछ एयर रह जाता है, इसलिए कि आपकी अल्वियोलाई को ओपन रखें, दैट अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग्स और इन द अल्वियोलाई आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें, यानी ये वाला, और इसके बाद भी आपके जिस्म में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाए, दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होगा, आपके बुक के मुताबिक रेजिडुअल वॉल्यूम 1.5 होगा। तो 1.5, 2 से अगर आप स्टार्ट करें तो ये 1 हो गया, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आपके पास क्या आएगा, यहाँ तक आपके पास आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जब आप फोर्सफुली जिस्म से या लंग से एयर को निकालने की कोशिश करें, ताहम फिर भी आपके जिस्म में, आपके लंग्स के अंदर कुछ एयर रह जाता है, और ये एयर आपके पास होगा 1.5 लीटर्स। दिस इज नोन एज अ रेजिडुअल वॉल्यूम। वंस अगेन देखें, मैंने सबसे पहले बात की टाइडल वॉल्यूम की, किस चीज़ की, टाइडल वॉल्यूम। What is tidal volume? Tidal volume is the amount of air or the volume of air that enter to your body or leave your body in the normal condition.
ये कितना होगा? ये होगा 0.5 liters. सेकेंड नंबर मैंने डिस्कस किया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. व्हाट इज मीन बाय इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? द वॉल्यूम विच यू कैन एंटर फोर्सफुली टू द बॉडी अबव द टाइडल वॉल्यूम इज नोन एज अ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और मैंने आपको बताया ये कितना होगा, ये होगा 2.5 liters. ठीक है. तीसरा चीज़ हमने डिस्कस किया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. व्हाट इज मीन बाई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? ये टाइडल वॉल्यूम हो गया यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. अगर आप टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, मतलब टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन के ऊपर जिस्म से फोर्सफुली एयर निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप कितना अमाउंट ऑफ एयर जिस्म से बाहर निकालता है? 1.5 liter. ये आप जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं. That amount of air which you can push out from the body forcefully above the tidal volume is known as a expiratory reserve volume which will be equal to 1.5 liter. ठीक है. इसके साथ साथ मैंने तीसरा चीज़ डिस्कस किया residual volume. Residual volume या RV is the amount of air which remaining in the lungs at any condition. Simply हर हालत में ये आपके लंग्स में रहेगा. अगर आप फोर्सफुली भी निकालने की कोशिश करें, ये आपके लंग्स में फिर भी रहेगा, लंग्स से नहीं निकलता. और ये हमारे पास होगा 1.5 liters. इसको हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. अगर ये सब आप जमा करें तो कितना आएगा? ये आएगा 6 liters. इसलिए मैंने कहा कि आपकी लंग्स का जो कैपेसिटी है ये 6 liters है. अब कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. एक है हमारे पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC. व्हाट इज़ मीन बाय इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है जब आप टाइडल वॉल्यूम को, टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेशन को प्लस करें विद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स के साथ, तो इसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि इंस्पिरेशन हम इतनी एयर का कर सकते हैं. सेकंड नंबर हमारे पास है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या EC. इसमें आप टाइडल वॉल्यूम एक्सपिरेशन को जमा करें विद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. तीसरा आपके पास है फंक्शनल रेजिडुअल और रिजर्व वॉल्यूम. तो फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम आपके पास कितना है? ये एक है, इसमें आप दोनों जो भी रेजिडुअल वॉल्यूम है वो आप जमा करें. एक रेजिडुअल वॉल्यूम ये है और एक रेजिडुअल वॉल्यूम ये है, तो इसमें आप एक रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ये रिजर्व या रेजिडुअल वॉल्यूम यानी एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम ये जमा करें, तो इससे आपके पास आएगा फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. और लास्ट नंबर है टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी TLC. टोटल लंग कैपेसिटी में आप क्या क्या जमा करें? इसमें आप ये सारे जमा करें, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये आपके पास आएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी. इसमें आप ये वैल्यूज पुट करें तो आप, आपके पास 6 आएगा. इन सारों में वैल्यूज पुट करिए, सारे आप ख़ुद मालूम कर सकते हैं. ये आसान है, कैलकुलेशन की ज़रूरत है इसको. आई होप कि आपको समझ आया होगा. आज हमने डिस्कस किया लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़. नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग या ब्रीथिंग कंट्रोल स्टडी करेंगे. जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपको समझ आता है, आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो फिर आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है, ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस किसी को फ़ायदा हो जाए. अच्छा चीज़ शेयर करना, अच्छा पैगाम लोगों को पहुंचाना सदका जारिया है. खुश रहिए.